कितना क्यूट बेबी है। ओह माशाल्लाह शी इज वेरी क्यूट। ये 1 लाख का नोट है, 1 लाख, 10,000, 5,000, और लोग बैठ के यहाँ पे बुक्स वगैरह भी पढ़ रहे हैं। यस देखिए सिटिंग एरिया बने हुए, जो यहाँ पे पुलाव बन रही है और इसको इतना बड़ा स्विमिंग पूल की तरह इसको बना रहे हैं माशाल्लाह। ये रहा ना हमारे आइटम बम, देख सकते हैं राइस, और ये है आपका लैम्ब और बीफ और एग्स। यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये कोई स्क्वायर बनी हुई यहाँ पे, मुझे उस तरफ जाना है लेफ्ट साइड पे। रोड्स खाली नज़र आ रहे हैं, आज ईद का दिन है शायद इसलिए लोग खाली खाली सा है ताशकंद। दिन अच्छा है क्योंकि जितना क्राउड रहता है तो बंदा घूमने से जो है ना सफोकेटेड हो जाता है। ये अच्छा है माशाल्लाह, और आज सनी डे है, बिल्कुल कोई बादल का दूर तक नाम निशान नहीं है। सो या कैन एंजॉय इट, देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है और ग्रीनरी वगैरह पे काफ़ी इन्होंने तवज्जो दी है। सो इट्स नाइस लवली, आई होप यू आर एंजॉयिंग वॉचिंग द वीडियो। अब पाकिस्तान से यहाँ आने का तो मुझे नहीं पता, पर आई विल सर्च इट फॉर यू। और जो लोग दुबई में काम करते हैं यूनाइटेड अरब इमारात्स में, जिनके पास वहाँ का रेजिडेंसी है, तो वो उज़्बेकिस्तान विदाउट वीज़ा आ सकते हैं। सिर्फ उनको फ़्लाइट बुकिंग करना होता है और होटल बुकिंग और इंश्योरेंस, जो कि ये ऑनलाइन ईजिली हो जाता है। और आपका मेन चीज़ आपका फ़्लाइट होना चाहिए और उसके लिए कुछ भी नहीं। मैं जिस यहाँ पे आया तो उन्होंने मेरा इमरजेंसी आईडी मांगा, तो मैंने उनको शो किया और इजीली मुझे यहाँ पे एंटर होने दिया। और यहाँ के लोग जो है माशाल्लाह बड़े हेल्पफुल हैं, कोऑपरेटिव हैं। मैंने जितने भी लोगों से पूछे, हाँ उनको ज़बान का ना आना एक बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर, नहीं लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं। आप कुछ पूछते हैं तो आपको रिस्पॉन्स देते हैं, क्विक रिस्पॉन्स देते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको हेल्प करने के लिए। लेकिन लैंग्वेज का जो बैरियर है ना, एक बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं है इंग्लिश, तो वो खाली इशारों से आपको समझाते रहेंगे। अब आप जितना होशियार तो आप पहुंच जाओगे। तो ये कि यहाँ पे आते हैं, मैंने यहाँ पे एक सिम निकलवाई है जिससे जो है मेरा डेटा के थ्रू मैं कहीं पे जा रहा हूँ या कुछ सर्च कर रहा हूँ, तो ये हेल्पफुल रहता है। यहाँ पे अगर आप आते हो तो सबसे पहले सिम निकलवा लें ताकि आप यहाँ पर लोगों से कम्युनिकेट कर सकें और ट्रांसलेट करके गूगल में ट्रांसफ़र करके दें और लोकेशन वगैरह आप सर्च कर सकें। ये 1 लाख का नोट है, 1 लाख, 10,000, 5,000, 1,000, 1,000, 1-1 लाख के नोट्स हैं यहाँ पे उज़्बेकिस्तान में। लाखों के नोट्स हैं मेरे पास, लेकिन पानी लेने के लिए गए, एक छोटी बोतल मैंने पानी के लिए और कुछ कैंडीज लिए, वो मुझे कहता है कि 10,000। झटका लग गया मुझे, यहाँ पे आप सिर्फ हज़ारों में सुनोगे। ये मेरे पीछे ताशकंद पार्क है और बहुत ही प्यारा व्यू है माशाल्लाह, देख सकते हैं अंदर कितना चाहो माशाल्लाह बना हुआ, देखिए कितना प्यारा व्यू है माशाल्लाह, इट्स वेरी लवली। बहुत ही प्यारा पार्क है ये ताशकंद पार्क है, बड़े बड़े दरख्त लगे हैं माशाल्लाह, इट्स वेरी लवली। देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा कॉफ़ी शॉप की तरह बना हुआ है, आइसक्रीम वगैरह और ड्रिंक्स बेचते हैं, और वहाँ पे सामने फाउंटेन है, इट्स वेरी ओपन पार्क है, नो नीड टू पे एनी थिंग। इससे ये वाजह होता है कि अपने लोगों का कितना ख्याल रखते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट में इनको पार्क वगैरह फराम करते हैं, सो इट्स नाइस। और लोग बैठ के यहाँ पे बुक्स वगैरह भी पढ़ रहे हैं। यस देखिए सिटिंग एरिया बने हुए, आपको दिखा दें, ये लें कुर्सी यहाँ पे, वेरी ब्यूटीफुल व्यू, या इट्स नाइस माशाल्लाह, या इट्स नाइस ना, नेचुरल जो है ना, नेचुरल व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू है। लुक देयर, चाओं की तरफ चलते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पे लग रही है माशाल्लाह, लोग इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी टूरिस्ट भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है, लोग काफ़ी यहाँ पे आते हैं। प्लेइंग किड्स एरिया, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, इट्स गुड टू डिस्कवर। बहुत ही काम और पीसफुल इन्वायरमेंट है, लोग अक्सर यहाँ पे स्टडी भी कर रहे हैं, खामोशी से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसी जगहों पे पढ़ने का अपने ही मज़ा होता है। और आगे कबूतर्स भी हैं, लोगों को खाना शायद खिला रहे हैं, सो लेट्स सी, कबूतर चौक बना हुआ यहाँ पे, शॉप्स भी हैं बुक्स वगैरह, मिनी मार्ट की तरह लोग यहाँ परचेस कर रहे हैं किसी को कुछ चाहिए तो। इस ताशकंद पार्क, ताशकंद वी पार्क इसका नाम है, और देख सकते हैं यहाँ पे लोग कबूतरों को दाना खिला रहे हैं, बच्चे इनके साथ खेल रहे हैं, या इट्स वेरी लवली। इतना क्यूट बेबी है, और माशाल्लाह शी इज़ वेरी क्यूट, सकते हैं कबूतर जो हैं साथ ही घूम रहे हैं, ये माशाल्लाह लोग इनको दाना खिला रहे हैं। इसको मैं ढूंढ रहा था क्योंकि जो आईफोन का जो चार्जर है
यहाँ पे इस कंट्री में ये दो पोल वाले यूज़ होते हैं, तो इसके लिए ये लेना है। ये मुझे कह रहा है 15,000 के, अंदाज़ा लगा लें कि एक चीज़ 15,000, ये 15,000 का ही ले लेते हैं जनाब। और यहाँ पे एक फाउंटेन है, एक म्यूज़ियम जैसा बना हुआ है, लेकिन यहाँ से मैंने एक दो लोगों से पता किया इनको, तो इंग्लिश ना आने की वजह से मुझे समझ नहीं आया कि क्या जगह है। आई थिंक इट्स लाइक अ म्यूज़ियम और कोई इस तरह की कोई पुरानी कोई बिल्डिंग है जो यहाँ की सकाफत को रिप्रेजेंट करती है। इस तक पहुँच नहीं पाए कि ये क्या है, क्योंकि जो लैंग्वेज का बैरियर है एक बड़ा प्रॉब्लम है, किसी से पूछते हो तो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। दे वॉन्ट टू हेल्प यू या बट दे कांट, सो दे आर डूइंग देयर बेस्ट। देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का। या नेक्स्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। जैसे यहाँ के मनाजर बड़े खूबसूरत हैं, वैसे यहाँ के लोग ही बड़े खूबसूरत हैं माशाल्लाह, दिल के बहुत अच्छे हैं। आप किसी से मदद मांग लो माशाल्लाह आपकी बहुत हेल्प करते हैं। मैंने जिससे मांगा है कोई पिक्चर लेना हो या कोई रास्ते के लिए पूछना हुआ, तो माशाल्लाह बड़े काइंड लोग हैं, बड़े हेल्पफुल लोग हैं। सो अगर मौका मिले उज़्बेकिस्तान को ज़रूर विज़िट करना, मिस नहीं करना। इट्स अ वेरी लवली कंट्री एंड यू मस्ट विज़िट इट। रोड क्रॉस करना था सो अंडरग्राउंड टनल के अंदर आना पड़ा रोड के दूसरे तरफ जाने के लिए। सो लेट्स सी, होप करता हूँ कि सही रास्ते से हम जो है यहाँ पे पुलाव बन रही है, और इसको इतना बड़ा स्विमिंग पूल की तरह इसको बना रहे हैं माशाल्लाह, बहुत डिलीशियस लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं मीट की जो क्वांटिटी है, ये जो लैम्ब मीट है, और ये शेफ साहब हमारे यहाँ पे बना रहे हैं। बहुत ऑयली राइस होते हैं इनका माशाल्लाह, देख सकते हैं। सो इंतज़ार की गाड़ियाँ बहुत तेज़ चल रही हैं। लेट्स ट्राई, अंदर जाके ट्राई करते हैं। और ये अंदर माशाल्लाह कुछ सी बड़े पैमाने पे राइस बन रहा है यहाँ पे, इट्स वेरी लुकिंग यम्मी। देख सकते हैं राइस को किस तरह ऑयल से भरा हुआ है, ऑयली राइस से माशाल्लाह ये शेफ साहब बना रहे हैं, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। और माशाल्लाह कितने हैं, एक दो ये तीन चार पाँच, और आगे और मज़ीद हैं दो तीन माशाल्लाह। बड़े पैमाने पे इसको पुलाव को बनाया जाता है, देख सकते हैं इसमें मेवे वगैरह भी हैं और ऑयल की क्वांटिटी भी है। सो यस, लेट्स गो इनसाइड एंड हैव अ बाइट ऑफ फिश। बाहर भी बैठने की जगह है, लेकिन देखते हैं अंदर बैठ जाते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में अंदर बेहतर रहेगा। उसको दम पे रखा हुआ है, देख सकते हैं चावल दम पे रखे हुए। और यहाँ पे हॉर्स मीट भी है, इसके साथ जो है हॉर्स मीट वगैरह भी पेश करते हैं, बट मैं ट्राई नहीं करने वाला हूँ। आई विल ओनली टेक लैम्प। ये अंदर का व्यू है फिश कोजों का, देख सकते हैं कितना खूबसूरत रेस्टोरेंट बना हुआ है। और हाथ धोने की जगह, हाथ धोते हैं इंशाल्लाह फिर कुछ ऑर्डर मंगवाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ का व्यू, ये मिस्टर शहजाद हैं जा रहे हैं, इन्होंने अभी रिसेंटली मेरा ऑर्डर लिया। सो आई जस्ट ऑर्डर उज़्बेक पुलाव और विदाउट हॉर्स मीट। ये लोग क्योंकि हॉर्स मीट खाते हैं, तो मैंने कहा विदाउट हॉर्स मीट मुझे आप पेश करें, और साथ में सैलड उन्होंने मुझे पेश किया। और इनके पास तुर्किश फूड है, बट आई एम नॉट गोना ट्राई तुर्किश फूड, क्योंकि हम उज़्बेकिस्तान में, सो वी विल ट्राई उज़्बेक फूड। देख सकते हैं इतना प्यारा व्यू है पीछे बैक साइड में, और काफ़ी कोऑपरेटिव है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हो कि शहजाद भाई को जो है इंग्लिश समझ आती है और बोल भी सकते हैं। ही वॉज़ नॉट परफेक्ट, बट या ही वॉज़ गुड एट। सो देख सकते हैं इतना प्यारा व्यू है यहाँ का। जस्ट आई रिसीव्ड द सैलड एंड माई ड्रिंक, सो जस्ट वेटिंग फॉर पुलाव। मैंने शहजाद भाई से पूछा कि ये सैलड कितने का है, कहता है इट इज़ 7,000। अब आप ही बताएं, या आप किसी चीज़ का भी पूछोगे तो आपको थाउजेंड्स में बताएंगे। सो या ट्राई करते हैं कि 7,000 का सैलड किस तरह होता है। टोमेटो, ऑनियन, और आई थिंक ब्लैक पेपर भी है, और थोड़ा सा कोरिएंडर मुझे महसूस हो रहा है, और टेक्सचर है आई थिंक उन्होंने कुछ हल्का सा कुछ स्पाइसेस लगाए हुए इस पर। नेक्स्ट नेक्स्ट, आई वांट द पुलाव। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पुलाव कहाँ है शहजाद साहब, पुलाव कहाँ रह गया। शहजाद भाई के लिए वेट कर रहा हूँ कि हमारा पुलाव ले, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। जो मैंने पुलाव के मनाजर देखे ना, मुझे लग रहा था कि एटम बम बन रहा है, कोई राइस और पुलाव नहीं बन रहा। उसमें जो मिक्सचर था राइस का, और उसमें जो
उसमें क्या कहते हैं स्पाइसेस लग रहे थे, और मटन और बीफ इसका दोनों का ये लोग मिक्स मिक्सचर बनाते हैं, और एग जो था उसका इट्स लाइक एन एटम बम। सो मैं एटम बम के लिए वेट कर रहा हूँ कि जल्द अज जल्द मेरे सामने आ जाए। ये रहा ना हमारा एटम बम, देख सकते हैं राइस, और ये है आपका लैम्ब और बीफ और एग्स, देख सकते हैं कितना यमी लग रहा है, और विद दिस सलाद इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सो ये आई मस्ट ट्राई फर्स्ट बाइट विद द उज़्बक पुलाव, फर्स्ट बाइट सुना रहा है। वाकई ये किसी एटम बम से कम नहीं है, क्या ही टेक्सचर है, और इतना जूसी है इसका जो मीट है, टेंडर है, बहुत ही परफेक्ट है माशाल्लाह, बहुत आमदार लाजवाब। अब तक का सबसे बेस्ट पुलाव जो मैंने लाइफ में खाया गोज फॉर दिस नंबर वन, बहुत ही आमदार, और देख सकते हैं इतना इसमें इतना ऑयल है लेकिन एक अलग ही टेक्सचर है। इसको अंडा और इसका टोमेटो लेते हैं और इन दोनों को ट्राई करते हैं। यस, एग और टोमेटो विथ राइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग में हर तरफ से एटम बम, मिसाइल्स, हर तरह से बहुत ही बेहतरीन टेक्सचर है, ज़बरदस्त। अगर आप कभी उज़्बेकिस्तान आते हैं तो यू मस्ट ट्राई द पुलाव हियर। जो मैंने पुलाव वगैरह खाया ये 52,000 का बिल बना है कुछ सी, और ये उज़्बेक लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो समझ नहीं आ रहा है ये कि फर्स्ट राउंड पुलाव होगा, दूसरा पता नहीं क्या है, तीसरे नंबर पे कोका कोला है। तो हाँ, ये दो एग होंगे, दो अंडे इसमें डाले तो 1,000 का अंडा होगा, उसने दो अंडे डाल दिए, एक कोका कोला है और एक सैलड 7,000 का।